सो बैक टू द चैनल गाइस, होप यू डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। आपका एग्जाम नज़दीक आने वाला है और साथ ही आपकी एडमिट कार्ड की डेट भी बहुत जल्दी नज़दीक आने वाली है। तो हम इस खबर के माध्यम से आपको बताएंगे कि ये ब्रेकिंग न्यूज़ आप में क्या जानकारी देती है। तो ये जानकारी देती है कि आपका एडमिट कार्ड कब जारी हो सकता है। तो मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती 2020 कुल पदों की संख्या 4000। मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड बहुत जल्द एमपी पुलिस कांस्टेबल के 4000 पदों पर नियुक्ति के लिए होने वाली भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी करने वाला है। बताया जा रहा है कि 15 मार्च के आसपास एडमिट कार्ड जारी हो सकते हैं। एडमिट कार्ड जारी होने पर इन्हें pb.mp.government.in की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकेगा। लिखित ऑनलाइन परीक्षा 6 अप्रैल 2021 से शुरू होगी। इस भर्ती के लिए करीब 10 लाख युवाओं ने आवेदन किया है। कुल 4000 वैकेंसी में से 3862 पद जो हैं जीडी कांस्टेबल और 138 पद जो हैं रेडियो कांस्टेबल के हैं। इसके बाद ऑनलाइन लिखित परीक्षा में एडमिट कार्ड के साथ फोटो युक्त पहचान पत्र ले जाना अनिवार्य होगा। इसके लिए अभ्यर्थी वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट जैसा कोई भी दस्तावेज लेके जा सकता है। और ये बाकी चीज़ें नॉर्मल ही हैं। 100 नंबर का पेपर होगा 2 घंटे का। तो इम्पोर्टेंट खबर ये है कि 15 मार्च तक आपका जो है एडमिट कार्ड आ सकता है, जिसमें आपको सेंटर नहीं बताया जाएगा, केवल ये बात डिस्क्लोज की जाएगी उसमें कि आपका एग्ज़ाम किस तारीख को है और किस शहर में है। सेंटर उसमें नहीं बताया जाता है जैसा कि पहले हो चुका है। तो ये चीज़ आपको डिस्क्लोज हो जाएगी, जिससे ये निर्धारित हो जाएगा कि आपका पेपर किस तारीख को है और किस शहर में है। तो ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।